और डिजिटल इंडिया के प्रेसिडेंट सीईओ अभिषेक सिंह जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, स्वागत आपका। धन्यवाद बहुत बहुत और आपका यहाँ आने के लिए। ये बताइए, ये बड़ा हाईटेक सा एरिया जो है, ये है क्या, ये क्या कोशिश की गई है? ये देखिए, कई बार ये बहुत ज़्यादा हाईटेक लगता है, बट हमारे देश में पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, आधार का हो या UPI का हो या डिजी लॉकर का हो, भाषणी का हो, ई संजीवनी दीक्षा का हो, उससे हमारे देश के तमाम करोड़ों नागरिक डिजिटल टेक्नोलॉजीज का लाभ उठा रहे हैं, पब्लिक सर्विसेज का इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो रहा है और पूरा विश्व G20 की जो मीटिंग्स है उसके बारे में इच्छुक था जानने के लिए। वो सब दिखाने के लिए हमने यहाँ पे किया। हाँ, तो वो सब दिखाने के लिए, वो सब दर्शाने के लिए हमने ये एग्जीबिशन लगाई है, ताकि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं G20 में, पूरा विश्व जब भारत आया हुआ है, तो हम उनको शोकेस कर पाए। ये दिखाइए जरा, ये साइकिल क्या है, ये एक्सरसाइज साइकिल, ये जो साइकिल है ये एक जर्नी हमारी दिखलाती है कि आप साइकिल करिए और इससे आप डिजिटल इंडिया की जर्नी को विटनेस कर सकते हैं। कि आप इसे करके देखेंगे तो देखिए, आप फील करेंगे, क्योंकि हम लोग तो कल यहां, आप इसको ट्राई करिए, आप इसको जैसे जैसे साइकिल करेंगे, इसमें बैठे, आप बिल्कुल बैठिए, इसमें बैठेंगे, आप बैठेंगे और साइकिल करेंगे तो आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। पहले माइक पकड़ लीजिए मेरा, बिल्कुल। डिजिटल इंडिया के तमाम प्रोजेक्ट्स को आप देख पाएंगे, जैसे जैसे हम चला रहे हैं वैसे वैसे स्क्रीन में वो आगे चल रहा है, आगे चलता जाएगा और आपको हर प्रोजेक्ट को दिखाता जाएगा। ये कैमरा में हम स्क्रीन दिखा पा रहे हैं? बिल्कुल, कैमरे में स्क्रीन जा रही है। तो आप ये स्क्रीन, हाँ ये दिखाना पड़ेगा, ये वाली स्क्रीन दिखानी पड़ेगी। तो आप साइकिल करते जा रहे हैं, तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप जैसे हम आगे साइकिल चलाते जा रहे हैं, तो आपको हर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी भी मिलेगी और उसके बारे में आपको दर्शाया भी जाएगा स्क्रीन पर। तो अच्छा, आप मतलब आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक लोगो दिखता हुआ आ रहा है, आप आगे बढ़ेंगे तो ये एक प्रोजेक्ट है जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था, जो बहुत मूलभूत प्रोजेक्ट है, जिसको हम डिजिटल आइडेंटिटी के रूप में कहते हैं। अच्छा। आप आगे जाइएगा तो वो लोगो आपको धुंधला सा दिख रहा है। अच्छा, थोड़ी तेज चलाओ। आप वहाँ पहुंचेंगे, अब आप देखिए वो आधार का लोगो प्रतीत होता है। आधार के बारे में, हम आधार की तरफ पहुंचे। हाँ, तो आप थोड़ा स्लो करेंगे तो आपको आधार पूरा दिखेगा। अच्छा, और स्लो कर लिया। आधार के बारे में, आधार आ गया, ये इससे कनेक्टेड है पूरा, ये उससे कनेक्टेड है। आप जब स्लो होते हैं तो स्लो हो जाता है, तो अब आधार आपको दिखता है। अब आप आधार से आगे बढ़ेंगे तो आपको आधार के बारे में सूचना मिल जाएगी। अच्छा, वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोमेट्रिक बेस्ड यूनिक आइडेंटिटी सिस्टम, 138 करोड़ लोगों के, हाँ, इसमें ऑथेंटिकेशन हो गया। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको माई गव, जो एक हमारा सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी कि जैसे कैसे माई गव प्लेटफॉर्म पे लगभग 3.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, कैसे मेरी सरकार जो सिटीजन। अच्छा, माई गव मेरी सरकार, ठीक है, अब इस पे जाएंगे तो हाँ, अब ये बताएगा कि माई गव के साथी जो है वो 33 मिलियन, 3.3 करोड़, फिर अब आगे बढ़िएगा और डिस्कशन में कमेंट्स 50 लाख हो चुके हैं, 50 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। फिर अब आगे बढ़िएगा तो अगले प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको सूचना मिलेगी। ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है ये लोगो मेरे ख्याल से डिजी लॉकर का है, डिजी लॉकर प्रोजेक्ट के बारे में आपको सूचना मिल रही है। अच्छा, हम डिजी लॉकर में पहुंचे और ये तो डिजी लॉकर, डिजी लॉकर, डिजी लॉकर के 19 करोड़ यूजर है, 600 करोड़ से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है यहाँ, 600 करोड़, इन 19 करोड़ लोगों के 600 करोड़ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है और उसको आप कोई भी वेरीफाई कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, और एक मतलब उसमें बिल्कुल समय भी नहीं लगता एक्सेस करने। बिल्कुल, आपने शायद डिजी यात्रा का उपयोग मैंने किया, बिल्कुल किया, तो उसमें डिजी लॉकर के जरिए, लॉकर के तहत ही होता है। या फिर आप क्रेडिट कार्ड, ये म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलना चाहें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहें, इंश्योरेंस करना चाहें, ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, इस स्केल पर कहीं नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ जो नंबर्स है, हमारे यहाँ जो आबादी है और उसके तहत करना और हर जगह गांव-गांव उपलब्ध कराना, ये हमारा अखलौता देश है जहाँ ये बिल्कुल। और अभिषेक जी, अभिषेक जी, एक और सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड फार्मर्स के लिए आ गया, इसमें लगभग 5 करोड़ से ज्यादा सैंपल हो चुके हैं, 22 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेट किए जा चुके हैं। सर, एक सवाल मेरा आपसे है, पिछली बार बाली समिट में 3 सेशन हुए थे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तमाम जो उपलब्धियां हैं डिजिटल के क्षेत्र में उनके बारे में बताया था, लेकिन जो अब भारत में G20 का समिट हो रहा है, किसी तरह से जो डेलीगेट्स हैं उनको कैसे प्रैक्टिकल तौर पे जानकारी देने के लिए, ये तो हो गया एक आपने एग्जीबिशन हमारा जो स्टॉल लगे हैं इसमें हम लोगों को एक्सपीरियंस करा रहे हैं, जैसे UPI है, हम और आप तो बड़े आराम से जानते हैं, QR कोड स्कैन करते हैं, पैसा भेजते हैं, हमारे लिए बड़ा आम चीज हो गई है, परंतु दुनिया के और देशों में ये चीज। और अभिषेक जी, दुनिया के एक महीने में 10 बिलियन का मतलब हुआ 1000 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसकी वैल्यू $185 बिलियन है, जो कहीं नहीं होता है। पूरे विश्व का जो 46% डिजिटल ट्रांजैक्शंस है, पेमेंट ड्राइव इंडिया में होता है।
दुनिया का 46 मतलब लगभग आधा ही आधा जो अमेरिका यूरोप वगैरह को कंबाइन करके जितना होता है उससे ज्यादा हमारे यहाँ होता है। अमेरिका यूरोप वगैरह में मिला के जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, जैसे हम तो जैसे पेटीएम से पे कर देते हैं, इससे यूपीआई से पे कर देते हैं, वो हमारा उनसे ज्यादा है। हाँ, उनका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ मिला करके जो हो रहा है उससे ज्यादा हमारे यहाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। 46% ऑफ एंटायर डिजिटल ट्रांजेक्शन यहाँ हो रहे हैं। और अब आगे हम ई-नाम पे, एग्रीकल्चर का ये प्रोजेक्ट है जो कि लोगों को प्राइसेस बता देता है फार्मर्स को। लगभग 2 करोड़ किसान इससे जुड़े हुए हैं, वो फोन करके किस फसल किस मंडी में क्या फसल चल रही है उनको इस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो डेलीगेट्स हैं उनको भी यूपीआई की सुविधा दी गई है, वो उनको जो डेलीगेट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं? वो आरबीआई ने क्या किया है कि एक उनका तो बैंक अकाउंट है नहीं, नहीं तो उनको एक वॉलेट के थ्रू दिया जा रहा है, क्यूआर कोड है जो स्कैन करेंगे तो ई रूपी जो हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था उससे उनके वॉलेट में वो 1000 रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं जिसका उपयोग वो क्राफ्ट बाजार में सम वस्तुओं खरीदने के लिए कर सकते। मतलब ये 1000 रुपए एक तरह से टोकन मनी के तौर पे कि आप हमारे डिजिटल को समझ देने के लिए रिजर्व बैंक ने प्रमोशनल ये किया है। जब आप पहुंच गए दीक्षा के मुकाम पे, जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म है, इसमें सारी टेक्स्ट बुक सारे वीडियोज अवेलेबल है 36 भारतीय भाषाओं में। हमने इसको भी यहाँ दिखला रखा है और इसमें करोड़ों बच्चे कोविड के दौरान और आज भी इसका उपयोग कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए सीखने के लिए। और दीक्षा के बाद हम पहुंच गए उमंग पर, उमंग तक, उमंग में मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको पता है हमारे 6 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, 1700 से ज्यादा सर्विसेज हैं जो लोगों को उपलब्ध हो रही है, जिसमें लाइसेंस वगैरह, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, डिजी लॉकर, ईपीएफओ, ये सारी सर्विसेज उपलब्ध हैं। और इसके बाद ई संजीवनी पे हम पहुंच गए। ई संजीवनी जो टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जिसको हम यहाँ पे दर्शा भी रहे हैं और बाजार नहीं, यहाँ पे ई संजीवनी जिसमें आप डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं। और एक मिनट आप रुकेंगे तो मैं ई संजीवनी के बारे में एक वाक्य बताना चाहूंगा। पुणे में जब हमने यही एग्जीबिशन लगाई थी इसी तरह की, जब डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की G20 की हो रही थी, तो वहाँ सूरीनाम की मंत्री आई थी और उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी, तो हम लोगों ने उनको कहा कि क्या आप टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर से संपर्क करना चाहेंगे, तो फिर हमने उनको उसी समय डॉक्टर से कनेक्ट कराया, उनको ई प्रिस्क्रिप्शन मिला, दवाइयाँ मिली और वो ठीक हो गई। उसका प्रभाव ये हुआ उसी दिन शाम को उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ MOU करने को तैयार हैं और उन्होंने MOU कर लिया इंडिया स्टैक हमारे DPI को उनके देश में इम्प्लीमेंट करने के। तो वो बड़ा एक लाइव एग्जाम्पल था कैसे एकदम इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क हो गया टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। चलिए अब ये लास्ट है इलेक्शन, ये 20 है करीब। अच्छा अभी आगे मुकाम पे, अच्छा अभी आधा है, तेजी से चलेंगे तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। ओपन नेटवर्क की एक्सरसाइज हो रही है। हाँ नहीं नहीं ये जिस एक्सरसाइज से ये पता चल रहा है कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। और मिशन लाइफ जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, कि कैसे हम साइकिलिंग करें अपने आप। अभी हम भाषिनी तक पहुँच गए, ये 400+ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, इसमें 25 लैंग्वेजेस है, इंडियन लैंग्वेजेस, यूएन लैंग्वेजेस, इसको भी हमने दर्शा रखा है। और अभी हिंदी के जो पत्रकार हैं कुछ वो रशियन पत्रकारों से बात कर रहे हैं भाषिणी का इस्तेमाल करके। अच्छा फास्ट टैग तो आपको पता है जो हम कैशलेस पेमेंट्स करते हैं टोल रोड पर। उसके बाद आप आगे चलिएगा तो स्मार्ट सिटी की जो हमारी परियोजना है जो 100 से ज्यादा शहरों में चल रही है और इसके माध्यम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्रीवेंस रिड्रेसल, ट्रैफिक लाइट्स, गार्बेज डिस्पोजल, ये सब कुछ मैनेज हो रहा है। फिर आप आगे बढ़िए तो दुनिया का सबसे बड़ा जो टैक्स नेटवर्क है GSTN, उसके बारे में हम सूचना दे रहे हैं। जो GST नेटवर्क है, जो हमारा IT नेटवर्क है, जिसके तहत GST रिफंड्स ऑनलाइन मिल जाती हैं, जिसके तहत ई-वे बिल्स जनरेट हो जाते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। फिर आप आगे बढ़िएगा तो अगली जो प्रोजेक्ट है ये आगे एक एक करके लोग आ रहे हैं, कोविन वैक्सीन, ये भी हम सबको पता है, पर ये भी दुनिया का अनूठा है। इवन विकसित देशों में ऑनलाइन डिजिटल सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते हैं और हमने 2.2 बिलियन लोगों को दे दिया, 220 करोड़ डोजेस वैक्सीन के लग चुके हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के आधार पे ऊपर आधारित थी, जिसके तहत 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए और जो बैंकों के डिपॉजिट्स हैं उनके, जो गरीब लोगों के, लगभग 24 बिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर। फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव, बिल्कुल सही। फिर हम आगे चलते हैं तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हर परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। फिर आप चलते हैं पीएम गति शक्ति पे हम आ जाते हैं, जो कि हमारा लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है जिसपे हमारे GIS लेयर्स हैं जो हमारे प्लानिंग और इसके लिए काफी इस्तेमाल की जाती हैं। तो 1400 से ज्यादा GIS लेयर्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं स्टार्टअप इंडिया पे। स्टार्टअप इंडिया हमारी योजना है जिसके तहत हमारे यहाँ 103 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं
और इतने स्टार्टअप्स को, लाखों स्टार्टअप्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। और आखिरी जो हम दिखा रहे हैं डिजिटल इंक्लूजन का जो हमारा प्रोजेक्ट है कॉमन सर्विस सेंटर, आप बस इसके मुकाम खरीदेंगे तो आखिरी मुकाम पे आप पहुंचने ही वाले हैं। कॉमन सर्विस सेंटर 5 लाख से ज्यादा पूरे देश में है और ये CSCs लोगों को अपने घर के पास सर्विसेज उपलब्ध करा रहे हैं। अब आप अपने मुकाम पे पहुंच गए हैं और आपको बहुत बहुत बधाई डिजिटल इंडिया की ये जर्नी करने। और ये भी देख लेते हैं हम कि दुनिया जो है वो किस तरीके से इस G20 के बाद भारत की इन उपलब्धियों का फायदा उठा सकती है। बिल्कुल, जो ग्लोबल DPI रिपोजिटरी के ऊपर सहमति बनी है डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप में, उसका भारत जनक है। भारत उसमें ज्यादा अपने प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। 6 देश हमारे साथ MOU साइन कर चुके हैं और अब हमारा उद्देश्य यही है कि लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को हम अपने प्रोजेक्ट्स ऑफर करें और जिससे कि हम इंडियन IT इंडस्ट्री के लिए और हमारे जो IT इंजीनियर्स हैं उनके लिए रोजगार भी क्रिएट कर पाएंगे। चलिए तो आइए और देखते हैं G20 के बाद दुनिया में क्या क्या बदल माला है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया।